उज़बीशन बिसमिल्लर आज हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स देखते हैं कि मतलब जैसे कि इसके फ़ादर ऑफ़ फैक्ट्राइजेशन कौन थे और इनकी डेली लाइफ एग्ज़ैम्पल कौन कौन सी आ जाती हैं फैक्ट्राइजेशन की तो फ़ादर ऑफ़ फैक्ट्राइजेशन की बात करें तो वो डायरेक्ट नॉर्मन थे एटीन सेवन सिक्सटी सेवन में इनकी पैदाइश थी और नाइनटीन थर्टी एट में इनकी डेथ होगी लेकिन ये अमेरिकन मैथमेटिशियंस थे और जो इन जिन्होंने फैक्ट्राइजेशन के अंदर बहुत अहम करदार अदा किया तो इनकी डेली लाइफ एग्जांपल ये है कि हम किसी भी जब चीज़ को इक्वल पार्ट्स के अंदर तब्दील करना होता है तब हम फैक्ट्राइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्सचेंजिंग मनी जब हमने मतलब रकमों को तब्दील करवाना होता है तब हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कंपेयरिंग प्राइजेस जब हमने किसी भी चीज़ की प्राइस कंपेयर करनी होती है दो क्वांटिटीज के दरम्यान में ठीक है तब हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग टाइम के लिए भी ठीक है और भी मुख्तु डेली लाइफ काफ़ी सारे एग्जाम्पल आती हैं मैंने जस्ट आपको चंद हिंट्स दिए हैं अब हम इनको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने का क्या तरीकेकार है सबसे पहला स्टेप है सिर्फ इसके मतलब तो फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के थ्री या फोर स्टेप में ठीक है वो हम करते हैं तो भी पता लग जाता है उसके ज़रिए आप किसी भी जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ना उसकी फैक्टराइजेशन आसानी के साथ कर सकते हैं पहला स्टेप क्या है स्टेप वन ये है कि आपने क्या करना है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद कि इसको हम टू को इस साइड पे ले आएंगे ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी ठीक है नेक्स्ट आपने कुछ इस तरह से करना है कि सबसे पहला स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है थ्री को टू से मल्टीप्लाई करना है सिक्स आएगा और सिक्स को फिर आपने दोबारा वन से मल्टीप्लाई कर लेना दूसरा स्टेप ये था तीसरा स्टेप मतलब ये है कि आपने क्या करना है ये चेक करना है के लास्ट वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन मौजूद है अब आपके पास क्या साइन है यहाँ पे माइनस इसका मतलब माइनस करने से आपके पास आगे वाली रकम आनी चाहिए माइनस करने से फाइव आना चाहिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस होता इसका मतलब ये था कि प्लस करने से आपके पास क्या आना चाहिए फाइव अब यहाँ पे माइनस है सो इस वजह से हम ये देखेंगे कि इसके दो ऐसे फैक्टर बनाएं सिक्स के कि जो हमें माइनस करने से क्या ला कर दे फाइव को ला करते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर देख लेते हैं सिक्स में से वन माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा बाज होता है कि इसी तरह से हम क्या करते हैं कि पहला ही फैक्टर जो होता है वो बन जाता है फैक्ट्राइजेशन के लिए लेकिन बाज हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ता है अब हम इसको इसी तरह से एज लेते हैं थ्री एक्स कि स्केयर सिक्स एक्स यहाँ पे वन एक्स और माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना खाली स्पेस छोड़ी है इसकी रीज़न ये है कि हम तीसरे स्टेप में चेक करेंगे कि लास्ट वाले साइन के साथ कौन सा लास्ट वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन मौजूद है ठीक है अब यहाँ पे आपके पास प्लस मौजूद है इसका मतलब बड़ी रकम के साथ प्लस आएगा और छोटी रकम के साथ माइनस आएगा अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस सिक्स में से वन निकालेंगे तो दोबारा हमारे पास फाइव आ जाएगा लेकिन इस तरह करने से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली अब पहली दो वैल्यूज में देखना है क्या चीज़ कामन आ रही है और नेक्स्ट टू वैल्यूज में देखना है आपने क्या चीज़ कामन आ रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री एक्स कामन आ रहा है और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री टू बार सिक्स आ जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ कामन नहीं आती जहां पे कोई चीज़ कामन नहीं आती वहां पे हम वन कामन ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस मौजूद है सो तो इस वजह से एक्स प्लस टू इक्वल टू हमें जीरो लिखना पड़ेगा ठीक है अब जब हमारे पास ये ब्रैकेट्स वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाए इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है तो अब आप इसको कॉमन ले लें और यहाँ पे लिख लें थ्री एक्स माइनस ये थ्री एक्स ये वाला और माइनस वन ये वाला इक्वल टू तो जीरो ठीक है अब हम दोनों को इक्वल किस चीज के, के रख लेंगे जीरो के यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और यहाँ पे लिखेंगे थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पे ये प्लस है जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे इसी तरह से ये माइनस है जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पर आके ये डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास दो सोलूशन सेट एक्स के बन जाते हैं एक माइनस टू और एक वन बाई थ्री तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन है एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी अब आपके पास आ जाती है सिक्स एक्स की स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो ये भी हमारे पास क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है जैसे मैंने पीछे बताया कि हमने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को हमने साइड पे लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया वन के साथ सेकेंड स्टेप क्या था कि लास्ट वाली वैल्यू के साथ देखना कि कौन सा साइन मौजूद है अब यहाँ पे माइनस है इट्स मीन डैट ये कि माइनस करने से हमारे पास आगे वाली वैल्यू आनी चाहिए मतलब 5 आना चाहिए तो हम इसके दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो कि हमें माइनस करने से 5 ला कर देंगे इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि यहाँ पर हमेशा वैल्यूज़ को जिससे हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम उसी वैल्यू से जिसको इसको डिवाइड किया जाता है मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कि टू से हम इसको डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फोर को दो हज़ार से बात है ट्वेल्व आएगा ठीक है और टू से डिवाइड किया तो टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अब देखते हैं ट्वेल्व में से टू निकाल लें तो फाइव आता है बिल्कुल भी नहीं आता तो हम इसको मज़ीद और सॉल्व करेंगे अब फिर टू से सॉल्व करेंगे टू सिक्स बार ट्वेल्व फिर टू से हमने इसको डिवाइड किया ना अब टू से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा फोर अब सिक्स में से फोर निकालें आपके पास फाइव आता है नहीं तो अब हम इसको मजीद और सॉल्व करते हैं टू थ्री बार सिक्स और टू फोर जा एट ठीक है अब देखिए एट में से थ्री निकालें तो आपके पास बिल्कुल फाइव आ जाता है इसका मतलब हमारे पास ये दो फैक्टर बन चुके हैं पहले जो एग्जांपल हमने की थी उसमें पहला ही जो पोशन था है वो फैक्टर का बन गया था लेकिन यहाँ पे हमें उसे सॉल्व करना पड़ा तो इस वजह से हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे अब लिखेंगे सिक्स एक्स के फिर थ्री एक्स और यहाँ पे एट एक्स और माइनस फोर इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे माइनस है ठीक है तो यहाँ पे तीसरा स्टेप यही था कि चेक करना है कि दरम्यान वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन मौजूद है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ी रकम के साथ माइनस और छोटी रकम के साथ प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों की जगह प्लस लिख लेंगे तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे इन दोनों को प्लस या माइनस करने से ऊपर वाली वैल्यू आती भी है या नहीं आती अब एट में से फाइव निकालेंगे तो और एट में से थ्री निकालेंगे तो फाइव बिल्कुल आ जाता है लेकिन अगर मिसाल के तौर तो पर गलती से प्लस लिख देते तो प्लस 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 एट में थ्री ऐड करने से आपके पास एलेवन आना था फाइव बिल्कुल भी नहीं था आना सो so, इस वजह से हम आप इसको आगे सॉल्व करेंगे इन दोनों में देखें क्या चीज़ कामन आ रही है और इन दोनों में देखें क्या चीज़ कामन आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास थ्री आएगा कामन और एक्स थ्री टू बा थ्री वन जा थ्री माइनस फोर कामन ले लें फोर टू ज़ा एट एक्स माइनस माइनस प्लस फोर रिकम फोर, फोर इक्वल टू ज़ीरो अब देखें आपके पास ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई इसकी इसका मतलब ये कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है बिल्कुल ठीक है ये थ्री एक्स मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे ये माइनस फोर इक्वल टू तो ज़ीरो नेक्स्ट वही काम करना है आपने क्या कि टू एक्स प्लस वन को एक रख लेना है तो ज़ीरो के और यहाँ पे लिखना है थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर ये माइनस है उस साइड पे जाएगा तो प्लस यहाँ मल्टीप्लाई है उस साइड पे जाके डिवाइड होगा ये x की एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू के टू एक्स इक्ल माइनस वन एक्स इज़ इक्वल है माइनस वन बाई टू और एक वैल्यू ये आ गई ठीक है अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है तब तक के लिए अल्लाह अस्सलाम वालेकुम